हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकमैन सुरेश। दोस्तों, फाइनली शोरूम में अभी आ चुका है टाटा मोटर्स का मोस्ट वेटेड, जो कि है दोस्तों टाटा एसयूवी 1000। गाड़ी जब से दोस्तों ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, तब से ही दोस्तों इस गाड़ी का डिमांड डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है और लोगों के अंदर इसका क्यूरियोसिटी भी धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और आप सब लोग बहुत दिनों से जानना चाहते थे कि कब ये दोस्तों ऑफिशियली शोरूम में आ जाएगा। और दोस्तों, आप देख सकते हैं कि गाड़ी अभी शोरूम में आ चुका है। आज के वीडियो में दोस्तों हम इस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, जिसमें मैं आप लोगों को गाड़ी का डिटेल प्राइस, स्पेसिफिकेशन, इसका रेंज क्या है दोस्तों, इस गाड़ी का हाइलाइट्स फीचर्स, इसका पेलोड कैपेसिटी और भी बहुत सारे चीज़ों के बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। इस तरह दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। यदि दोस्तों आपको इसी तरह का गाड़ियों के रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक कीजिए। इसमें आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पा पाएंगे। उम्मीद करूंगा दोस्तों आप वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। यदि दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब से टाटा एसयूवी मार्केट में आया है तो पहले जो टाटा एसयूवी का नया मॉडल आया था उससे दोस्तों ये काफ़ी बेहतर है और इसका जो लोडिंग कैपेसिटी ये भी कंपनी ने इसको इंक्रीज कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों गाड़ी का ओवरऑल लुक्स और डिजाइन से। इसका लुक दोस्तों आपको नॉर्मल जो टाटा एस लुक भी आपको काफ़ी सिमिलर लगेगा। बात करें दोस्तों इसका फ्रंट फेसिया के बारे में तो इसमें आपको देखने को मिलता है काफ़ी बड़ा सा विंडशील्ड, उसके साथ इसमें आपको 2 वाइपर्स भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें आपको देखने को मिलता है हैलोजन बॉल टाइप हेडलैम्प्स, उसके ऊपर है मल्टीफंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स। राइट साइड में आपको एस का बैजिंग और लेफ्ट साइड में आपको ईवी 1000 का बैजिंग देखने को मिलता है। सेंटर में आपको टाटा मोटर्स का क्रोम फिनिश में लोगो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है और यहाँ पर आपको नंबर प्लेट लगाने के लिए भी स्पेस प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको स्टिकरिंग जैसा रिफ्लेक्टर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको फॉग लैंप लगाने के लिए भी दोस्तों स्पेस प्रोवाइड किया गया है। आपको दोस्तों इसका ओवरऑल फ्रंट फेसिया कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो इसका साइड प्रोफाइल काफ़ी सिंपल है। टायर्स की बात करें, इसमें आपको 13 इंच का टायर लगा हुआ देखने को मिलता है, जिसका साइज है 155R13 8PR टायर्स। बात करें गाड़ी के कुछ टेक्निकल फीचर्स के बारे में, दोस्तों इसका जो व्हील बेस है वो है 2100 mm, इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 160 mm और इसका पहाड़ चढ़ने की क्षमता जिसे हम कहते हैं ग्रेडेबिलिटी वो है दोस्तों 20%। और इसका जो मिनिमम टर्निंग रेडियस है वो है दोस्तों 4300 mm या फिर आप समझ सकते हैं 4.3 मीटर। इस वजह से आप इसको कम जगह पर भी आसानी से टर्न भी कर सकते हैं। इस वजह से दोस्तों ये सिटी पर्पज़ के लिए भी एक आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। बात करें दोस्तों इसका कार्गो डेक के बारे में, दोस्तों इसका कार्गो डेक का लंबाई आपको पहले जो टाटा एसयूवी आता था उससे इसका दोस्तों कार्गो डेक को कंपनी ने थोड़ा बड़ा कर दिया है। इसका कार्गो डेक का लंबाई आपको मिलता है अभी 7 फीट, चौड़ाई आपको मिलता है 4 फीट 7 इंच और इसका ऊंचाई आपको मिलता है 10 इंच। बात करें दोस्तों इसका लोडिंग कैपेसिटी के बारे में, जो कि है दोस्तों इसका सबसे बड़ा हाईलाइट पॉइंट। इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 2120 kg, कोर वेट जो कि है गाड़ी का वजन वो है दोस्तों 1120 kg और इसका पेलोड कैपेसिटी है 1000 kg या फिर समझ सकते हैं 1 टन। इसमें दोस्तों आप आराम से 1 टन तक पेलोड ले सकते हैं क्योंकि दोस्तों इसका बैटरी भी काफ़ी पावरफुल है। इसमें दोस्तों लगा हुआ है टाटा मोटर्स का नया 21.3 kW का लिथियम आयन आयरन फॉस्फेट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं LFP बैटरी, जो कि 36.2 SP का पावर और 130 Nm का टॉर्क इसमें जनरेट करता है। और इसका बैटरी को फुल चार्ज करने में आपको सिर्फ 105 मिनट्स लगता है या फिर समझ सकते हैं 1 आवर 45 मिनट्स। और एक बार इसका बैटरी को फुल चार्ज करने पर आप इसको आराम से 161 किलोमीटर तक चला पाएंगे, जो कि दोस्तों इसका ARAI सर्टिफाइड रेंज है। दोस्तों हम इसका एवरेज रेंज भी निकालें तो आप इसको आराम से 120 से 150 किलोमीटर तक आराम से दोस्तों आप इसको चला पाएंगे। यह दोस्तों इसका रियर का व्यू, यहाँ पर आपको एक फुटस्टेप प्रोवाइड किया गया है जिसका क्वालिटी भी दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी मजबूत है। इसके नीचे दोस्तों लगा हुआ है इसका स्पेयर टायर और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इसका नॉर्मल स्टैंडर्ड टेल लाइट्स। और सेफ्टी की बात करें तो इसमें आपको 2 रिवर पार्किंग सेंसर्स भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपको टाटा का बैजिंग भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और यह दोस्तों इसका रिवर्स का लाइट। इसका वारंटी के बारे में बात करें तो गाड़ी के ऊपर आपको मिलता है 3 ईयर्स का वारंटी 125,000 किलोमीटर तक और बैटरी के ऊपर आपको मिलता है 7 ईयर्स का वारंटी 175,000 किलोमीटर तक। अगला पॉइंट है दोस्तों वो है इसका प्राइसिंग के बारे में। इसका दोस्तों अभी एक्स शोरूम प्राइस शुरू हो जाता है 11,43,000 रुपीज़ से और इसका अप्रोक्सीमेट ऑन रोड प्राइस है 11,90,000 रुपीज़। उसके अलावा दोस्तों इसमें अभी डिस्काउंट चल रहा है 1 लाख रुपीज़ का,
यदि दोस्तों अभी आप इसको परचेस करेंगे तो आपको 1,00,000 रुपये का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें 1,50,000 रुपीज़ का स्टेट गवर्नमेंट का सब्सिडी भी मिलता है। आप ज़रूर इसके बारे में नियरेस्ट शोरूम से इसके बारे में बात कीजिए। और यदि दोस्तों आप इसको फाइनेंस में लेने के लिए सोच रहे हैं तो फिर आपको दोस्तों इसको लेने के लिए लगभग 1,50,000 रुपये डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं इसका इंटीरियर। सबसे पहले इसका डोर को ओपन करते ही ये हमें डुअल टोन कलर में देखने को मिलता है। जब दोस्तों गाड़ी के अंदर आप आएंगे, सबसे पहले दोस्तों इसका इंटीरियर आपको दिखने में काफ़ी पसंद आ जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये डुअल टोन कलर में होने से ये इसका लुक को भी थोड़ा दोस्तों आई कैची बना देता है। और इसका जो ड्राइवर सीट है ये भी दोस्तों आपको इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल वाला मिलता है। सीट को दोस्तों आप अपने कम्फर्ट के हिसाब से इसको दोस्तों एडजस्ट भी कर सकते हैं। और बात करें लेगरूम के बारे में, दोस्तों इसका लेगरूम आप देख सकते हैं, इसका लेगरूम भी आपको इसमें काफ़ी कम्फर्टेबल मिलता है। हेडरूम भी दोस्तों इसका काफ़ी कम्फर्टेबल है, इस वजह से गाड़ी को चलाने में आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें दोस्तों आपको मिलता है पावर स्टेयरिंग, बीच में आपको टाटा मोटर्स का कंपनी इसमें लोगो भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पर है दोस्तों इसका की होल, और ये दोस्तों फुली एसी गाड़ी है, इस वजह से इसमें आप बहुत कम्फर्टेबली लॉन्ग टूर भी कर पाएंगे। और यहाँ पर आपको इसका कूलिंग वेंट्स भी देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप यहाँ पर दे सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का मोबाइल जिन सॉकेट भी यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। उसके साथ यहाँ पर आपको कुछ फॉल स्विच भी देखने को मिल जाता है, जिसको आप चाहे तो कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यदि आप इंटरटेनमेंट लवर हैं तो फिर आप यहाँ पर चाहे तो म्यूजिक सिस्टम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस भी देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी में दोस्तों ज़रूरी सामान रखने के लिए इसमें आपको लॉकेबल ग्लोव बॉक्स भी प्रोवाइड किया गया है। और दोस्तों आप इसका को पैसेंजर का लेग रूम को भी देख सकते हैं, इसका को पैसेंजर का लेग रूम भी आपको इसमें काफ़ी कंफर्टेबल मिलता है। और यह दोस्तों इसका को पैसेंजर का सीट, इसमें भी दोस्तों आपको हेडरेस्ट दिया गया है। इसमें ड्राइवर साइड और को पायलट साइड दोनों साइड में दोस्तों आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है। और इसके बीच में भी आपको एक डॉक्यूमेंट होल्डर भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और इसमें दोस्तों आपको मिलता है फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, और उसी के बगल में है यहाँ पर है दोस्तों इसका हैंड ब्रेक। और इसका फ्रंट विजन व्यू भी दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और यहाँ पर है दोस्तों इसका सेंटर मिरर, और रात में गाड़ी में अच्छा विजिबिलिटी होने के लिए इसमें आपको बॉल टाइप रीडिंग लाइट्स भी प्रोवाइड किया गया है। और इसमें सिर्फ ड्राइवर साइड में ही दोस्तों दिया गया है इसका सन वाइजर, इसमें को पायलट साइड में आपको सन वाइजर देखने को नहीं मिलता है। ये था दोस्तों इसका ड्राइवर केबिन का ओवरऑल व्यू। दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि इसका ड्राइवर केबिन बहुत ही कम्फर्टेबल है। और दोस्तों यदि आप एक अच्छा सा इलेक्ट्रिक एसयूवी अपनी बिजनेस के लिए लेने के लिए सोच रहे हैं तो फिर दोस्तों ये आपके बिजनेस के लिए काफ़ी अच्छा चॉइस है। आशा करता हूं दोस्तों इस वीडियो में मैंने सभी पॉइंट्स को कवर किया होगा। फिर भी दोस्तों यदि आपको लगता है मैंने कुछ पॉइंट को मिस किया है तो फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसके बारे में ज़रूर बताएं, मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपका जवाब देने के लिए। और यदि दोस्तों आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक के माध्यम से भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके साथ एक नए वीडियो में। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।